बिहार में सियासी घमासान के बीच जहां सीबीआई ने सृजन घोटाले के अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेकर गिरफ्तार करने की तैयारी में है, वहीं राज्य में हुए गर्भाशय घोटाले की जांच भी अब सीबीआई करने के लिए तैयार हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बड़े पैमाने पर हुए इस घोटाले की जाँच के लिए सीबीआई ने पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हामी भर दी। ज्ञात हो कि बीमा योजना का लाभ लेने के लिए सामूहिक साजिश कर भारी भरकम राशि का गबन किया गया था। घोटालेबाजों ने सारा काम कागज पर ही किया था और गर्भाशय निकलवाने वालों की लिस्ट में बड़ी तादाद में पुरुषों के नाम भी लिख दिए। 46,000 से अधिक महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिए गए थे और पुरुषों के नाम भी उस लिस्ट में शामिल कर दिए गए थे। गौरतलब है कि 2011 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। इस योजना के तहत वैसे परिवार जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उनका 30,000 तक का इलाज होना था। बिहार के 350 अस्पताल इसके लिए चयनित किए गए थे। उस समय की रिपोर्ट के अनुसार सूबे के 45 अस्पतालों और 13 डॉक्टरों ने मिलकर 46,000 से अधिक महिला और पुरुषों के गर्भाशय निकाल लिए थे। जमुई के 83 पुरुषों के गर्भाशय निकालने का मामला भी सामने आया था। 703 ऐसी महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिए गए थे जिनको सर्जरी की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। इस मामले में वर्ष 2015 में याचिका भी दायर की गई थी। पिछले 4 दिनों में जिस तरीके से बिहार की सियासत में भूचाल आकर एक नई सरकार का गठन हो गया, ठीक उसी तरह पिछले 4 दिनों में सीबीआई में भी हलचलें तेज हो गई है। सृजन घोटाले में जहां 11 अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट ले चुकी है, वहीं अब गर्भाशय घोटाले की भी जांच सीबीआई करेगी। कल पटना हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई थी और हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने गर्भाशय घोटाले की जाँच करने के लिए हामी भर दी है, जो बिहार सरकार के लिए यानी वर्तमान सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। कैमरामैन श्रवण के साथ अनिरुद्ध कुमार, रफ्तार मीडिया, पटना।